ऑडियो का स्पीड बढ़ाने के लिए आप ये जो सेटिंग है यहाँ पे जाइएगा और ये जो प्लेबैक स्पीड है यहाँ पे नॉर्मल से आप 2 पे कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा फास्ट करना है तो, या फिर अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कितना फास्ट, या फिर आपको जिन स्टूडेंट को फास्ट लगता है तो वो स्लो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है यूट्यूब में जो आप जो है वो यूज कर सकते हैं, वीडियो अगर फास्ट लगे तो स्लो और स्लो लगे तो फास्ट। तो कृपा कर इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो 1 मिनट या 2 मिनट्स का वीडियो जो है वो देखकर वो क्वेरी करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चंस जो है वो अराइज करते हैं, परंतु उसी वीडियो में उनका क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं दिए रहता हूं। यही कारण है कि आप जो है वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको क्लैरिटी जो है वो आएगा। स्वागत है आपका यूबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीए इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो इशू किया था 31 मई 2020 को, और जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। उस इंफॉर्मेशन के कारण बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्वेरी किए थे कमेंट सेक्शन में, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो का रिक्वेस्ट फॉर्म है उसे भी बहुत सारे स्टूडेंट ने फिलअप किया था। उन सारे स्टूडेंट का जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उनको देखने के बाद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आप लोगों को था वो रिगार्डिंग जो गूगल फॉर्म जो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है उसको कैसे फिलअप करें वही नहीं समझ में आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो गूगल फॉर्म जो है मैं फिलअप करके दिखाऊंगा, और कैसे कहाँ पे क्या इंटर करना है, कौन सा ऑप्शन चूज करना है, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि इस नोटिफिकेशन में जो कि 31 मई 2020 को इंस्टीट्यूट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट ICAI.org पे होस्ट किया था, इस अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये अनाउंसमेंट स्पेसिफिकली नवंबर 2020 में जो अपियर करने वाले हैं कैंडिडेट उनके लिए है, ठीक है। और अगर आप जुलाई अगस्त में अपियर करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी सीए फाइनल आपने क्लियर कर रखा है तो भी ये वीडियो जो है आपके लिए रिलेवेंट हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको जो है वो समझ में आएगा कि फॉर्म जो है वो कैसे फिलअप करना है। यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में इंस्टीट्यूट ने एक फॉर्म प्रोवाइड किया है जिसको आपको फिलअप करना है। वो कौन से कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। पहले कैटेगरी के स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने ICAI.org पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, चाहे उनका पार्शियली कंप्लीट हो बैच या अभी स्टार्ट नहीं हुआ हो, आपने पैसा दे रखा है, वो सारे कैंडिडेट केस वन में फॉल करेंगे। केस वन में कौन कैंडिडेट हैं? वो कैंडिडेट जो ICAI.org पे रजिस्ट्रेशन करा रखा है फॉर फिजिकल क्लासेस, ठीक है, और पेमेंट कहां पे किया है? ICAI.org। ये केस वन के कैंडिडेट कंप्लीट। केस टू के कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा के रखा है, क्लियर। यानी कि दो ही है, या तो आपने ICAI.org पे रजिस्ट्रेशन कराया है या फिर नहीं कराया है। वो दोनों कैंडिडेट जो है ये फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म में क्या क्या ऑप्शन है, वो कैसे आपको फिलअप करना है, वो इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊं। ये रहा आपका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर वर्चुअल MCS एंड एडवांस्ड IT। सबसे पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है क्वेश्चंस है वो है रजिस्ट्रेशन नंबर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि यहाँ पे जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप करना है। प्लीज यहाँ पे स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट का कहना है कि आप स्पेस ना दें, ERO या WRO आप लिख के उसके बाद स्पेस ना दें। ये जो स्पेस दिया गया है यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना है, इंस्टीट्यूट बोल दिया है आपको, तो ऐसा भूल ना करें और कमेंट सेक्शन में आके ये ना पूछे कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ही रॉन्ग या नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, इंटर कैपिटल लेटर में जो है वो आपका नाम इंटर करना है। तो भाई आप स्मॉल लेटर में क्यों इंटर कीजिएगा,
जो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली तो बात, आप जब भी कोई भी फॉर्म अपने लाइफ में फिलअप करें तो उसको ध्यानपूर्वक पहले पढ़ें, ठीक है। ज्यादा गलतियां उन्हीं स्टूडेंट से होती है जो कि जल्दी जल्दी में फॉर्म फिलअप करते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ते नहीं है। जब यहाँ पे कैपिटल लेटर में कहा गया है तो प्लीज कैपिटल लेटर में ही लिखिए, राइट। उसके बाद ईमेल, अपना जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो एक्टिव ईमेल आईडी हो, या फिर स्पैम फोल्डर में आप चेक कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट के तरफ से जो आपको नोटिफिकेशन आता है, न्यूज़लेटर आता है, या फिर ओटीपी आता है, वो हो सकता है स्पैम फोल्डर में आपका चला गया हो, राइट। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पे इंटर कीजिए। योर फाइनल अटेम्प्ट, तो योर फाइनल अटेम्प्ट जब यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप अगर नवंबर 20 में अपियर करने वाले हैं तो यहाँ पे नवंबर 20 लिखिएगा। मई में अपियर करने वाले थे, यानी कि अभी जुलाई 20 में होने वाला है एग्जाम, तो आप जुलाई 20 कीजिए, ठीक है। और यहाँ जो ऑप्शन है, यहीं पे बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, उन्हें ऑप्शन ही नहीं सेलेक्ट करने आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको क्लियरली बता दूं कि यहाँ पे पूछ ही रहा है आपको कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, बस यहाँ ब्रैकेट में इंस्टीट्यूट जो है वो, ये जो साइट है आपका यहाँ पे ICIonlineregistration.org, इसका लिंक जो है इंस्टीट्यूट अगर यहाँ पे प्रोवाइड कर देता ब्रैकेट में, तो ये जो है वो कंफ्यूजन स्टूडेंट को ज्यादा नहीं होता। फिर भी आपको ये नोट डाउन कर लेना है कि अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो यस कीजिए, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी तक फिजिकल क्लास अटेंड करने के लिए, एमसीएस का हो या एडवांस्ड आईटी का हो, तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। क्यों मैं ये बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि अगर यस कीजिएगा तो एक अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जब आप नेक्स्ट कीजिएगा तो, और नो कीजिएगा तो आपके लिए एक अलग ऑप्शन आएगा चूज करने के लिए। तो यहीं पे आपको डिसाइड करना है, और यहां पे क्लियर इंस्ट्रक्शन यहां पे दिया हुआ है कि आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, बस इतनी सी बात है। तो चलिए, सबसे पहले वो कैंडिडेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी कि ये जो है ऑनलाइन ICIonlineregistration.org पे रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उनके लिए मैंने ये ऑप्शन यस कर दिया। तो यस करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपको अवेलेबल होगा नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे क्लियरली ये बात बताया गया है कि फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट इन एमसीएस एंड एडवांस्ड आईटी कोर्स, कोर्स रजिस्टर्ड इन www.icionlineregistration.org। तो उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन से कोर्स में आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, राइट। यहाँ पे एडवांस्ड एमसीएस, जीएमसीएस, जीएमसीएस 2, एडवांस्ड आईटी, 100 आवर्स एडवांस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे अकॉर्डिंगली जो आपके लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद बैच स्टार्ट डेट, तो बैच स्टार्ट डेट में क्या है भाई, अगर आपका बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था तो वही रखिएगा। अगर आपका ये लॉकडाउन पीरियड में होने वाला था तो वो डेट कीजिएगा। अभी स्टार्ट होने का डेट जो है वो आपका फ्यूचर में है तो वही लिखिएगा। यहाँ पे तो क्लियर ये बात लिखा हुआ है कि बैच स्टार्ट डेट यहाँ पे एंटर करना है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों हो जाता है स्टूडेंट को, ठीक है। और यहाँ पे बैच का एंड डेट, तो एंड डेट जो आपका शेड्यूल डेट है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करा रखा है तो आपको पता है कि कब से आपका बैच स्टार्ट होने वाला था या हो गया था या होने वाला है और कब एंड होगा, क्लियर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेम ऑफ द ब्रांच वी आर रजिस्टर्ड, फिजिकली आपने रजिस्ट्रेशन कराया था तो किस ब्रांच के रेस्पेक्ट में कराया था, वो ब्रांच का यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोर्स का स्टेटस जानना चाहता है आपसे, कौन सा, पार्शियल या बैच येट टू स्टार्ट। तो पार्शियल का मतलब भी इंस्टीट्यूट क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है कोर्स एज पर गाइडलाइंस ड्यू टू बैच कैंसिलेशन नंबर 1, बैच पोस्टपोनमेंट नंबर 2, लीव टेकन नंबर 3, और कोई भी रीजन हो, चूज ऑप्शनल पार्शियल। यानी पार्शियल में वो कैंडिडेट आएंगे जो कि जिनका बैच कैंसिल हो गया या पोस्टपोन हो गया
या आपने कंप्लीट नहीं कर पाए, कोई भी कारण हो, आप पार्शियल सेलेक्ट कीजिए और अदर जो स्टूडेंट है, यानी कि आपका फ्यूचर डेट है, यानी कि योर बैच वाज शेड्यूल्ड एट फ्यूचर डेट, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, या फिर इज येट टू स्टार्ट, अभी आपका शेड्यूल हो गया है बट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप बैच येट टू स्टार्ट कीजिए, आपका अगर बैच स्टार्ट नहीं हुआ है तो ठीक है, तो यहाँ पे भी आप स्मार्टली चूज कीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। नंबर ऑफ डेज यू अटेंडेड द कोर्स एट बैच, जो पार्शियल आपने फिलअप किया है तो कितने दिन का बैच आपने ऑलरेडी टेकन किया है, ऑलरेडी अटेंड किया है, ठीक है, तो आप पार्शियल वाले जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिखेंगे, और अगर आपने बैच येट टू स्टार्ट सेलेक्ट किया है तो आप जीरो यहाँ पे इंटर कीजिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का कहना है, राइट। तो यहाँ पे आप ये सारा फॉर्म फिलअप करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब वो कैंडिडेट जो ICIonlineregistration.org पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, चलिए मैं फिर से आपको दिखाता हूं। ये रहा, मैंने अब नो पे यहाँ पे सेलेक्ट किया, और ये नेक्स्ट जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा वो दिखाता हूं। ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर वर्चुअल MCS एडवांस्ड IT नॉट रजिस्टर्ड स्टूडेंट इन MCS एंड एडवांस्ड IT कोर्स, ठीक है, तो कोर्स फॉर विच यू वुड लाइक टू रजिस्टर्ड, आप वर्चुअल MCS ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर वर्चुअल एडवांस्ड IT ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर बोथ ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो यहाँ पे चूज कीजिए, उसके बाद फाइनल कोर्स का रजिस्ट्रेशन डेट, जिस डेट को आपने CA फाइनल में रजिस्ट्रेशन कराया है, जो आपको रजिस्ट्रेशन लेटर इंस्टीट्यूट के तरफ से प्रोवाइड किया गया है, वहां पे आपको मेंशन किया गया था कि किस डेट से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव है, तो वो इंटर कीजिए और सबमिट कर दीजिए बस। तो आपके ईमेल ID पे इंस्टीट्यूट के तरफ से कम 5-10 डेज के अंदर जो है वो इंस्टीट्यूट के तरफ से लॉगिन क्रेडेंशियल जो है आपको भेज दिया जाएगा, जिसका यूज करके जो है वो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और अपना वर्चुअल मोड में MCS और एडवांस्ड IT का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो बताइएगा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था या नहीं था कमेंट सेक्शन में, और अगर आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो AUBSP के YouTube चैनल पे अपलोड हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।